सबसे पहले अब बात तीन चुनावी रैलियां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में करने जा रहे हैं उससे जुड़ी खबर की कर लेते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे ब्लॉकबस्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सासाराम, गया और भागलपुर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों को संबोधित करेंगे। सासाराम और भागलपुर में मंच पर नीतीश कुमार भी साथ होंगे प्रधानमंत्री के। तो एनडीए के विकास के एजेंडे को जनता के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। आज ये तीन रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार चुनाव को लेकर होने जा रही हैं। इसके अलावा आपको जो और भी आज दूसरे दलों की रैलियां होने जा रही हैं वो भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बिहार में दो चुनावी रैली है आज, बिहार के नवादा में, और साथ ही भागलपुर में राहुल गांधी चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ नवादा वाली रैली में होंगे, यानी मंच साझा करेंगे। तो नवादा में राहुल गांधी की रैली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन जगहों पर आज रैलियों को संबोधित करेंगे। बिहार में आज रैलियों का घमासान, बंगाल में पीएम मोदी का अश्वमेध, अब बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे कौन सा संदेश? बिहार में पीएम मोदी के पांच घंटे में पस्त होगा विपक्ष। प्रधानमंत्री मोदी का फ्राइडे ब्लॉकबस्टर। बिहार में पहले चरण के मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 28 तारीख को बिहार में मतदाता 2020 में पहले चरण के लिए वोटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले आज यानी 23 तारीख को होगा रैलियों का दंगल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार बिहार के सियासी रण में विपक्ष को ललकारेंगे। सुबह 10:30 पर पीएम मोदी सासाराम में जनसभा को संबोधित करेंगे, फिर दोपहर 12:20 पर पीएम गया में होंगे और दोपहर 2:40 पर भागलपुर में रैली को संबोधित करेंगे। बड़ी बात यह है कि इस दौरान सासाराम और भागलपुर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर नीतीश कुमार भी होंगे। तो रैलियों का शुक्रवार है आज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज तीन जगहों पर रैली करने जा रहे हैं। और सीधे रुख कर लेते हैं आप मेरे साथ नवादा से ही, रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, रैलियों का शुक्रवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब मंच पर होंगे तो क्या बोलेंगे जनता से, निगाहें इस पर होंगी सबकी? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा निगाह प्रधानमंत्री की रैली को लेकर ही है। सब लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कंफ्यूजन है बिहार में एनडीए गठबंधन, दिल्ली में कुछ और है, बिहार में कुछ और है। जिस तरह से चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं हालत खराब कर रखी है एनडीए में, खासतौर पर जेडीयू के उम्मीदवारों के इस खिलाफ कैंडिडेट उतारकर, वैसी स्थिति में माना जा रहा है कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपनी सफाई दी, उनको वोट कटुआ कहा गया, उनको गठबंधन का पार्ट नहीं कहा गया अमित शाह की तरफ से। बावजूद इसके वो लगातार प्रधानमंत्री की तारीफ करते आ रहे हैं, अमित शाह को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते आ रहे हैं। और इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि अगर प्रधानमंत्री आज नीतीश कुमार के साथ खड़े होंगे और क्या बयान देते हैं कि किस तरह से जो कंफ्यूजन है वो दूर हो, और साथ ही साथ क्या जंगल राज को भी एक बार से दोबारा दोहराएंगे, जंगल राज की बात को रिपीट करते हैं प्रधानमंत्री, तो सबकी नजर प्रधानमंत्री पर है। क्योंकि अभी तक की हवा की बात करें तो एनडीए पीछे चल रही है, अगर महागठबंधन आगे और बाकी लोगों की चर्चा ज्यादा है, लेकिन आज से उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री की तबाहतोड़ जो तीन रैलियां हैं, खासतौर पर सासाराम में है, सासाराम इलाका आपको दिनारा, वहां भी एलजेपी ने दो जगह कैंडिडेट उतार रखा है जेडीयू के कैंडिडेट के सामने, सासाराम प्रॉपर में भी, दिनारा में भी, उसी तरह आपको भागलपुर की बात करें वहां भी ऐसे ही दिक्कत है, और गया में भी, तो इन इलाकों में कहीं ना कहीं महागठबंधन से सीधे लड़ाई चल रही है एनडीए गठबंधन की, वैसी स्थिति में प्रधानमंत्री की रैली काफी मायने रखती है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इसी नवादा में होंगे आज, यहां रैली करने वाले, और उससे मैसेज जाने वाला है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी का वोट एक दूसरे को शिफ्ट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि पिछली बार आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस तीनों मिलकर लड़े थे तो शहरी सीटों पर इन्होंने ठीक ठाक जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार क्या शहरी सीटें भी इनके खाते में आएगी या आरजेडी का जो वोट बैंक है एमओआई जो मुस्लिम यादव गठबंधन है वहीं तक सीमित रह जाएगा, इसको इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है। अच्छा रवि, आपको क्या लगता है, जो कली से एक नई सियासत शुरू हुई है बिहार में, एक नया जो एक चैप्टर ऐड हो गया है वैक्सीन पर सियासत, लग रहा है आज प्रधानमंत्री कुछ साफ करेंगे इसको लेकर? देखिए
कल से इसकी थोड़ी आलोचना हो रही है, क्योंकि मैं खुद खड़ा था, आपको याद हो कल मैं माउंटेन मैन जो दशरथ मांझी कहे जाते हैं उनके गांव में खड़ा था, जिस वक्त हमने लाइव वोटिंग कराई थी लोगों से, तो लोगों को थोड़ी नाराजगी है इस बात को लेकर कि क्या वोट देंगे तभी वैक्सीन मिलेगा मुफ्त में, या वैक्सीन के जरिए आप वोट का वो कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, तो थोड़ी नाराजगी लोगों में जरूर है इस बात को लेकर। लेकिन लोग ये भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं वो करते हैं, कई लोग ये भी कह रहे थे, तो प्रधानमंत्री मोदी पर एक भरोसा है लोगों का, चाहे गाँव के किसानों से बात कीजिए, क्योंकि पूरे कोरोना के काल में मैं गाँव के किसानों से खेत में जाकर बात किया, उनका कहना है कि हमें लगातार अनाज मिलता रहा, हमें भूखे नहीं सोना पड़ा एक दिन भी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि गाँव के छोटे से छोटे आदमी तक किसान को अनाज मिलता रहा इस पूरे कोरोना के दौर में। लोगों को तकलीफ जरूर है नीतीश कुमार से, क्योंकि जो लोग बाहर रहते हैं, बाहर से बिहार आना चाहते थे, उनको आने में नीतीश कुमार ने बहुत ज़्यादा उनकी सहायता नहीं की, इसलिए नीतीश कुमार से नाराजगी जरूर है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से कमाल का अंडरस्टैंडिंग है, लोगों का लगाव है, तो उसका फायदा मिलेगा। और वैक्सीन वाले मामले में थोड़ी सी तकलीफ लोगों को है, लेकिन प्रधानमंत्री हो सकता है इस बात को क्लियर करेंगे कि क्यों ऐसा किया गया, और सबसे पहले बात की मैनिफेस्टो में नंबर वन पर इसी बात को रखा गया है, तो इसके पीछे क्या वजह है, और क्या ये वाकई बार्गेनिंग है कि वोट दोगे तभी वैक्सीन मिलेगा फ्री में, या फिर इसी तरह से कहा गया है कि कोरोना के दौर में वैक्सीन का बहुत महत्व है और बिहार उनके लिए इतनी प्रायोरिटी रखता है, तो दोनों अलग अलग मायने हैं। देखिए प्रधानमंत्री किस तरह से इस बात को क्लियर करते हैं, और दूसरा जो बिहार में कन्फ्यूजन है उसको लेकर प्रधानमंत्री क्या क्लियर करते हैं, और तीसरा यह है कि दोनों नौजवान राहुल गांधी और तेजस्वी, राहुल गांधी को नौजवान तो कहिए, 50 साल के नौजवान वो भी हैं, और तेजस्वी यादव जो 25 से 30 साल के बीच में है, दोनों आज खड़े होते हैं तो किस तरह से लोगों को लुभाते हैं और क्या भाषण देते हैं जिससे लोग जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि नाराजगी है, एंटी इनकंबेंसी है बिहार में, इस पर होंगी क्योंकि आज ये ब्लॉकबस्टर फ्राइडे है और प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी का भी आज वहां पर चुनावी सभा है, और क्या कुछ होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपसे आगे भी मैं डिटेल इस पर लूंगी रवि, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। तो देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर वादा कर दिया है, बीजेपी ने वादा किया है कि बिहार के हर नागरिक को फ्री में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। बीजेपी के इस वादे पर विपक्ष हमलावर है। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें अगले 5 साल के दौरान आत्मनिर्भर बिहार के लिए 5 सूत्र 1 लक्ष्य 11 संकल्प पर जोर दिया। लेकिन बीजेपी के जिस वादे की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मुफ्त कोरोना वैक्सीन। विपक्ष ने बीजेपी के इस वादे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि बीजेपी ने आखिर कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या वादा किया है। कम से कम 4 वैक्सीन का प्रोडक्शन के ओर हम जा रहे हैं। अगर 1, 2, 3 ट्रायल स्टेजेस है, पहले एनिमल्स के ऊपर करते हैं, फिर लैब में दोबारा टेस्ट करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं, ये तीनों फेज पार करते हुए लास्ट स्टेज तक कम से कम 3 ऐसे वैक्सीन भारत देश में प्रोडक्शन के खगार पर आ गए हैं। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, CPI समेत दूसरे दलों ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कोरोना का राजनीतिकरण कर रही है। RJD ने कहा है कि कोरोना का टीका पूरे देश का है, बीजेपी का नहीं। वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी बिहार की जनता से खेल रही है। मोदी जी ने तो राष्ट्र संबोधन में कह दिया कि अभी शायद 1 साल तक तो वैक्सीन आने की उम्मीद ही नहीं, और ये झूठों के सरदार बेशर्मी से यहां लोगों को बरगला रहे हैं। बीजेपी घोषणा पत्र में कह रही है कि कोरोना का वैक्सीन अगर वो सत्ता में आ गए, बिहार की सत्ता में, तो मुफ्त में कोरोना का वैक्सीन देंगे सभी बिहार वासियों को, और सत्ता में नहीं आए तो क्या करेंगे, सबको कोरोना संक्रमित होने के लिए भगवान के भरोसे छोड़ देंगे। अभी सत्ता में थे तो क्या किए कोरोना काल में। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि अच्छी शुरुआत है, स्वास्थ्य कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं रहा, लेकिन अगर इस बार बिहार चुनाव में ये मुद्दा है तो ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स। हमने ये वादा किया है कि हमारी सरकार बिहार में जो चीज आएगी तो हम सबको निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे और बिहार को कोरोना मुक्त बनाएंगे। पब्लिक पॉलिसी में पब्लिक हेल्थ के इशू को लेकर राजनीतिक पार्टियों को संवेदनशील होना चाहिए। हमने इस दायित्व को निभाया है और इस संकल्प को हम पूरा करेंगे।
लेकिन समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का सवाल है कि बीजेपी मुफ्त वैक्सीन का वादा यूपी और दूसरे राज्यों के लिए क्यों नहीं कर रही है। हालांकि जेडीयू को बीजेपी के वादे में कोई बुराई नहीं दिखती है, लेकिन सवाल ये है कि जहां वोट वहीं मुफ्त वैक्सीन का वादा क्यों? क्या ये बीजेपी का चुनावी वैक्सीन ट्रायल है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार की वैक्सीन पॉलिटिक्स के बीच रोजगार पर भी आर पार की जंग छिड़ी हुई है। महागठबंधन की दो पार्टी आरजेडी और कांग्रेस 10-10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा कर रही है, तो बीजेपी ने रोजगार के वादे में भी विपक्ष को पीछे छोड़ दिया। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि वो बिहार में 19 लाख लोगों को रोजगार देगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या बिहार में अब की बार रोजगार से बनेगी सरकार? किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में खुद ही उत्पादक बनेंगे तो 1000 किसान अगर 1000 एफपीओ से जुड़ेंगे तो 10 लाख रोजगार पैदा होगा। ये जो जनता पर बोझ बने हुए हैं, अब इनके झांसे में जनता जुमले में फंसने वाली बिहार की नहीं है। बिहार में बाहर है, रोजगार ही रोजगार है। बिहार में अब की बार रोजगार से सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के सामने राजनीतिक पार्टियों ने वादों की झड़ी लगा दी। सभी पार्टियों का इस बार सबसे ज्यादा जोर रोजगार पर है। बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। 12 पन्नों के घोषणा पत्र में आखिरी रोजगार का नाम था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही नौकरी के वादों को लेकर आरजेडी पर तंज कसते रहे हों, लेकिन अब उनकी सहयोगी पार्टी ने ही दोबारा सत्ता में आने पर 19 लाख रोजगार देने की बात कही है। भारत में इस वक्त आईटी कारोबार 177 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हम बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित करके अगले 5 वर्षों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। एनडीए सरकार ने बिहार में 10 लाख समूहों के माध्यम से 1,20,00,000 महिलाओं के जीवन में रोशनी पहुंचाई है। हमारा संकल्प है कि स्वयं सहायता समूहों तथा माइक्रो फाइनेंस संस्थानों के माध्यम से 50,000 करोड़ की माइक्रो फाइनेंस की नई योजना लाकर 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। हालांकि जेडीयू ने बिहार की जनता से नौकरी के वायदे तो नहीं किए, लेकिन ये जरूर कहा कि वो युवाओं का स्किल डेवलप करेंगे। जेडीयू का कहना है कि आरजेडी बेरोजगारों को गुमराह करके सत्ता पर काबिज होना चाह रही है। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।